पेरिस पैरालंपिक्स में 30 अगस्त इंडियन फैंस और इंडियन एथलीट्स के लिए अभी तक काफी अच्छा जा रहा है। अवनि लेखारा, मोना अग्रवाल, शूटिंग में ये दो मेडल्स आने के बाद, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, अब एक मेडल ट्रैक में आया। पैरालंपिक्स में अभी तक ट्रैक में कोई मेडल नहीं आया था सूरज, और कौन लेके आया? एक लड़की, प्रीति पाल। मतलब ये मेंशन करना चाहिए ना कि आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। इस इवेंट में इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट 14.21 से फिनिश करके जीता है। इनसे पहले चाइनीज एथलीट्स जो थी उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता, और तीसरा गया प्रीति पाल के नाम। प्रीति पाल ने मेडल जीता T35 जो कैटेगरी होती है, उसमें मूवमेंट में आपके अगर कोई दिक्कत है, सेरेब्रल पाल्सी जैसी समस्या से गुजर रहे हो आप, आपके शरीर में मूवमेंट वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे अगर आप जूझ रहे होते हैं, तो आपको इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। और प्रीति मेरठ से आती हैं, और जब ये 5 दिन की थी तब उनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या हुई थी, चलने में दिक्कत हुई थी, और उसके बाद इलाज, काफ़ी सारा इलाज चला लेकिन इलाज सफल हो नहीं पाया। 5-6 साल की उम्र में इनको कैलिपर्स पहनने पड़े। कैलिपर्स अगर आपको ना पता हो तो चलने में असिस्ट करने वाली डिवाइस होती है, उसको कमर से पैरों तक पहना जाता है और उसके हिसाब से फिर आप उसकी हेल्प से चलते हैं। तो इनको मेनली चलने में समस्या, इसी कैटेगरी में भागती हैं, और इसीलिए इनका ये जो अचीवमेंट है, जो ब्रॉन्ज है, ये खास हो जाता है कि आप बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, और उसके बाद आप भागने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और पहला मेडल दिलाते हैं भारत को ट्रैक का। ट्रैक में मेडल कितना रेयर है, आप सोचिए कि नॉर्मन प्रीचर्ड के बाद ओलंपिक से आपके पास कुछ नहीं आया, जबकि नॉर्मन प्रीचर्ड को आज भी ग्रेट ब्रिटेन अपना मानता है। हम अलग क्लेम करते हैं कि चूंकि वो ब्रिटिश इंडिया के लिए खेल रहे थे तो वो इंडियन हुए, लेकिन ब्रिटेन उनको अपना मानता है। उनके अलावा ट्रैक में कोई भी एथलीट आपका, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, मेडल नहीं ला पाया है। मिल्खा सिंह का आप जिक्र करेंगे, पीटी उषा का करेंगे, नंबर 4 की फिनिशेज हैं, लेकिन मेडल नहीं आ पाया। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस लड़की के लिए जो बचपन से ही चलने फिरने में असमर्थ थी और इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। हाँ, और सबसे कमाल बात सूरज ये है कि पहला पैरालंपिक्स था, पहले में तो आपको ज्यादा कुछ पता भी नहीं होता ना, और दूसरी चीज ये कि आपने टिकट बुक किया था अपना वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होती है, जो जापान में हुई थी मई में, उधर से आपने टिकट बुक किया, और इससे पहले एशियन जब चैंपियनशिप हुई थी, एशियन गेम्स जो हुए थे, उस टाइम आपने नंबर 4 फिनिश किया था, और 2 इवेंट में पार्ट लिया था 100 मीटर 200 मीटर, और उन दोनों में ही 4th पे फिनिश किया। 4th फिनिश ओलंपिक्स के टाइम पे हम सभी को याद है कितना दुख दिया था, और उसके बाद ऐसे वापसी करी है कि एक ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया है। हाँ, और अपना पर्सनल बेस्ट दिया, क्योंकि अगर मेडल आए ना आए, अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट दे रहे हैं तो ये बड़ी अचीवमेंट हो जाती है ऐसे बड़े गेम्स में। तो यहाँ पर आपने अपना पर्सनल बेस्ट दिया, 14.21 सेकंड का टाइम निकाला और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार और बड़ी खुशी की बात है कि अब पैरालंपिक्स की जैसी शुरुआत हुई है। पहले दिन जब मेडल आने शुरू हुए तो 3 मेडल एक साथ आए, गुच्छों में आए, तो ऐसे एक उम्मीद जगती है कि हम अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने वाले हैं। मैं एक चीज एड ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इनकी शुरुआत की मोटिवेटिंग वाली स्टोरी बताई, वो सब हुआ, उसके बाद एक्चुअल मोटिवेशन उनको कहाँ से आया कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है? मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि सोशल मीडिया पे उन्होंने पैरा एथलीट्स को देखा, वहाँ से कहा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वहाँ से शुरू करा। फॉर्मल जो पैरा एथलीट्स रह चुके हैं उन्होंने सपोर्ट किया, कोच उनके साथ आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हम जानते हैं एथलीट्स के बीच बहुत ज़्यादा कॉमन है, उधर से गुजरी और उसके साथ एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ फिनिश किया। हाँ, मतलब थोड़ा क्लीशे हो सकता है, लेकिन अक्सर जो एथलेटिक्स में या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ते हैं जो लोग, वो अक्सर गरीब परिवार से होते हैं। आप ब्राजील के फुटबॉलर्स का उदाहरण ले लीजिए, नेमार से लेके पहले तक ब्राजील, आप इंडियन एथलीट्स को देखिए, जितने हैं तमाम सारे गरीबी से उठे हैं। हालांकि रिले रेस की जो टीम है वो, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी अच्छी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मोटिवेशन बहुत सारा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथलीट बनने के लिए गरीब होना जरूरी है, लेकिन एक एडेड मोटिवेशन होता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आप जहाँ फंसे हैं। मिल्खा सिंह का उदाहरण लीजिए, पूरा परिवार ऑलमोस्ट तबाह हो गया था पार्टीशन में, फिर वो जो मोटिवेशन आता है वो अलग आता है, और इसका पूरा फायदा उठाया प्रीति ने। यूपी से आती है, मेरठ से आती है, और ब्रॉन्ज दिलाया भारत को, ट्रैक से आया, पहला मेडल है ये पैरा गेम्स में, और मैं तो इसको ओलंपिक्स में भी मानूंगा, क्योंकि नॉर्मन पिचर्ड को मैं
ब्रिटेन के हिसाब से चलता हूँ भाई, तुम अपने मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अपना ले जाओ। ये प्रीति पहली ट्रैक एथलीट बन गई है ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स पैरालंपिक्स में मेडल दिलाने वाली। बिल्कुल, अभी बहुत सारे इवेंट्स और होने वाले हैं, ऐसी ही उम्मीद की जाएगी कि बहुत सारे मेडल्स आए पैरालंपिक्स में। ओलंपिक्स में लड़के भी लेके आए और बिल्कुल लेके आएंगे। सुमित अंटल से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, नीरज चोपड़ा ने कमाल किया था, अब सुमित को सब लोग देखेंगे। इसके अलावा बैडमिंटन से कई सारे मेडल्स की उम्मीद होगी। और आपको ये सारी कवरेज लालनटॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी। मैं गरिमा थी, ये सूरज थे, हम लोग ऐसे आपके साथ बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आप लोग देखते रहिए लालनटॉप। शुक्रिया।